Hey guys, my name is Om. I welcome you all to Academicia. आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी की 1950 से 1991 की ट्रांजिशन को. हम 1950 में जब अंग्रेज़ों ने हमें छोड़ा था अच्छे से लूट के, तो उस समय हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी. फिर 1991 में हमने विद इन द टाइम पीरियड हमने कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलपमेंट किया. ठीक है, आप इस वीडियो की PDF मेरे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और आप फैमिली में न्यू हो तो आप सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट भी बन सकते हो. ओके, सो लेट्स बिगिन. देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो इंडिया की जो 5-year प्लान थी उसके क्या गोल्स थे उससे काफ़ी अच्छे से अक्वेंटेड हो जाओगे. ठीक है, डेवलपमेंट पॉलिसी जो डिफरेंट सेक्टर में थी फ्रॉम 1950 टू 1991, यू विल गेट अवेयर ऑफ दैट. फिर उसके बाद जो रेगुलेटेड इकोनॉमीज़ होती हैं उनमें क्या लिमिटेशंस होते हैं, उनके क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डिमेरिट्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको पता चलेगा. सो लेट्स बिगिन. देखो, इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं देना चाहूँगा. 1947 में अंग्रेज़ों ने इस बहुत सी खूबसूरत कंट्री सोने की चिड़िया को लूट के छोड़ा था. ठीक है, फिर उसके बाद हमें मतलब खुद ब खुद ही सब कुछ करना था. एक तरीके से कहते हैं ना, जो ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट ये सब चीज़ों की कंसेप्ट पहले से आ चुकी थी. हमें उस जैसे एक अभी न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे एक न्यू वर्ल्ड में एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, कि हाँ भाई अब तुम एकदम नए टाइम पे आए हो, तुम्हें मतलब जैसे होता है हमें टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबिलिटी करनी थी. फिर उसके बाद जो हमने बहुत जो 2 सालों का रूल हमने देखा था अंग्रेज़ों का, वो मतलब उनका सबसे वर्स्ट साइड हमने फेस किया था. सो इसलिए हमारे लिए काफ़ी टफ था. फिर उसके बाद सबसे पहले देखो कि जब आज़ादी हुई तो आप सबसे पहले एक्वेंटेड हो गए, 5-year प्लान हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया. लेकिन उस 5-year प्लान को जानने से पहले आप जानो कि एक प्लान होता क्या है. देखो, अगर किसी कंट्री के पास कोई रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अगर उस रिसोर्सेज को कैसे बंटवारा करना है ताकि सारे सिटीजन जो हैं उनको परफेक्टली उन चीज़ों का बेनिफिट मिले, तो उसको कहते हैं प्लान. हर चीज़ को प्लान वे में निकालना. ओके, और हमारे यहाँ जो प्लान थी ये बेसिकली जो अर्स्टवाइल जो पहले सोवियत यूनियन थी रशिया जो अब है, उससे हमने ये 5-year प्लान अडॉप्ट किया था. और इसमें कुछ जैसे स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं कि 5-year प्लान में हमें ये मतलब ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर या ये कुछ स्पेसिफिक टारगेट है जो हमें स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में कम्प्लीट करना है. ठीक है, और उससे हमारी GDP को फाइनल ग्रोथ दिया जाए. और इतना ही नहीं, देखो ये 5-year प्लान हम लोग डिस्कस करते हैं लेकिन उसमें हम लोग एक तरीके से अपनी जो नेक्स्ट 20 years के जो हम लोग प्लान है जहाँ पे मतलब हम अपनी कंट्री को देखना चाहते हैं, हम उसको भी फोकस करते हैं. फिर देखो, फर्स्ट 5-year प्लान आता है. देखो, 5-year प्लान का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में कैसे डेवलपमेंट किया जाए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, इनकम जनरेट करना. क्योंकि हमने डेफिनेटली, मैंने बताया था आपको अर्लियर लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे आपको पता होगा कि हमारी जो इकॉनमी थी वो मेजर एग्रेरियन थी. ठीक है, अंग्रेज़ों के टाइम पे जिसको अंग्रेज़ों ने बहुत भयंकर तरीके से मतलब एक्सप्लॉइट किया था और पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो उसी तरह देखो, हमारी जो फर्स्ट 5-year प्लान थी उसमें कैसे फोकस करना था कि लोगों की हम बहुत गरीब थे जब हम आज़ाद हुए थे, तो उस समय लोगों की जो लाइफस्टाइल थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी इनकम की, जॉब की, उन सबको इंक्रीज़ करना मेन फोकस था. ठीक है, देखो जब हम आज़ाद हुए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेजर टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होती हैं, कैपिटलिस्ट होती हैं, सोशलिस्ट और मिक्स्ड होती हैं. हमारे इंडिया की मिक्स्ड इकॉनमी, अगर आपने पहले की लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के एग्जांपल्स भी पता होंगे. अच्छा चलो, इन दोनों के आप कमेंट सेक्शन में नाम बताओ कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी. मिक्स्ड में तो इंडिया आती है. ठीक है, तो उस समय जैसे इंडिया के जो PM थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके सामने ये ऑप्शन था कि आप किसी एक सिस्टम को अडॉप्ट करो. बट उस समय वो बहुत ज़्यादा सोशलिज्म से प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने उस समय मतलब उस समय अपने हिसाब से उन्होंने सोशलिज्म को, सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक पैटर्न पे इंडिया को डेवलप करना ज़्यादा बेटर समझा. ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, 1948 में फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया. तो ऐसे ऐसे करके हमारी धीरे धीरे स्टैगनेंट ग्रोथ होती रही. ठीक है, धीरे धीरे काफ़ी स्लो पेस से. फिर जब बात करते हैं प्लानिंग की, तो ये हमारे इंडिया के जो हैं आप कह लो एक तरीके से पोल स्टार हो गए, जो जिन्होंने हमें हमेशा गाइड किया. एक्चुअली जो हमारी प्लानिंग थी इंडिया में
वो सबसे मेनली स्टार्ट हुई सेकेंड प्लानिंग से, ओके, सेकेंड फाइव ईयर प्लान से, और उसके कहीं ना कहीं जन्मदाता ये महानुलोभिस जी थे, और इन्होंने बहुत ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किया। और इनफैक्ट आज जो हम लोग जून 29 को स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, वो भी इन्हीं के बर्थ डेट पर मनाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये कैलकटा में बॉर्न हुए थे, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए इंडिया के लिए, काफ़ी इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट भी इन्होंने डेवलप किया कैलकटा में, एक जर्नल पब्लिश की इन्होंने संख्या, काफ़ी इनके पार्ट रोल रहे हैं इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं ना, वो आज भी जो इनकी थ्योरी है उनसे अभी भी बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे उस समय के, फाइन। फिर देखो, अब गोल ऑफ फाइव ईयर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने फाइव ईयर प्लान जो अडॉप्ट किया था उसके क्या गोल्स थे। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। देखो, ग्रोथ जो होता है इट इम्प्लाइज इधर अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव इक्वल कैपिटल और अ लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग साइज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल एंड सर्विसेज, फाइन। देखो, अगर आप किसी कंट्री की ग्रोथ को देखना चाहो तो जितना आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज का विद इन कंट्री होता है उसके बेसिस पे उसके ग्रोथ को मेजर किया जाता है। आप देखो, एक केक होता है, ठीक है, अगर आप छोटा सा केक होगा, एक जैसे आप कपकेक देखते हो, कपकेक टाइप का साइज का केक होगा, तो उसमें से कितने लोग खा पाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल से दो, ठीक है, और वो भी अच्छे से नहीं, वो भी इक्वल डिवाइड होगा तो भी ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा पोर्शन नहीं बनेगा। लेकिन वही अगर बहुत बड़ा केक हो तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा आदमी, मतलब 10-15 आदमी को आप फीड कर सकते हो। तो उसी तरह होता है ग्रोथ, जितना बड़ी हमारी जीडीपी होगी, ठीक है, उतने ज़्यादा लोगों को हम लोग बेनिफिट कर पाएंगे, उतने एक तरीके से ये केक हो गया, और इसके ऊपर जो ग्रोथ होगा वो इसका एक जैसे टॉपिंग होती है ना, चेरी वगैरह डाल दिया जाता है, उस टाइप का हो गया। तो अब जैसे केक जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा लोगों को खाने को मिलेगा, वैसे ही जीडीपी जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा लोगों को उससे बेनिफिट होगा, ठीक है। फिर जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज़ डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी। जैसे मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है और सर्विस सेक्टर होता है। और इंडिया में मेजर लैकुना क्या है, हम लोगों ने एग्रीकल्चर फर्स्ट सेक्टर से डायरेक्ट थर्ड सेक्टर पे हम लोगों ने जंप कर दिया, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हमने कम फोकस किया, और चाइना ने उसी पे फोकस करके आज इंडिया और चाइना में इतना ज़्यादा डिफरेंस आप देख सकते हो। और इन तीनों सेक्टर से जो डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, इनसे जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहते हैं किसी इकॉनमी की, ठीक है। अब आते हैं मॉडर्नाइजेशन पे। देखो, मॉडर्नाइजेशन जो होता है ये गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कैसे बेटर कर सकें, मॉडर्नाइजेशन उसको कहते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट करना, ठीक है। देखो, जैसे फार्मर जो होता है वो अपनी, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, फार्मर्स जो हैं वो अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं नई सीड्स वेराइटीज़ वगैरह को यूज़ करके, इंस्टेड ऑफ ओल्ड वंस। जैसे अभी HIV सीड्स आ रहे हैं, ठीक है, जो मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ रहे हैं, तो इनसे क्या है, वो फार्मर्स की इनकम को बढ़ा रहा है। आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा डेवलपमेंट करोगे, जैसे आप पहले क्या होता था, लोग बैल से खेतों को जोता करते थे, अब क्या होता है, अब लोग ट्रैक्टर से खेतों को जोता करते हैं, तो क्या उससे टाइम कम लगता है, मॉडर्नाइज हो रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि हमारी जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, उसको हम लोग बूस्ट कर सकें, ठीक है। और जैसा आप जानते हो कि एग्रीकल्चर जो थी वो इंडिया में तब भी और अब भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को इन्वेस्ट करती है अपने अंदर, ठीक है। हाउएवर, जो मॉडर्नाइजेशन होती है डज नॉट refer only to the use of new technology but also changes in social outlook such as recognition that women should have some rights as men. तो देखो, modernization सिर्फ technology की नहीं होती है, जैसा मैंने कहा, it also indicates the woman's right as in comparison with men, ठीक है। traditional society में क्या होते थे, women जो होती थी वो घर पर रहती थी, men were supposed to work, और modern society में जबकि होता है talent को हम लोग देखते हैं, ठीक है, instead of gender. बैंक, फैक्ट्रीज़, कहीं पे भी आप देख लो, अगर टैलेंट है तो वहाँ पे लेडीज़ भी जाती हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारी एयरफोर्स में भी 3 वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया था, और इनफैक्ट फाइटर प्लेन उड़ाने वाली फर्स्ट 3 वुमेंस बनी थी वो। फिर उसी तरह आते हैं हम लोग सेल्फ रिलायंस पे, ठीक है। देखो, सेल्फ रिलायंस इसलिए ज़रूरी था इंडिया के लिए क्योंकि हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे, ठीक है, उस समय हमारे पास ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, डेवलपमेंट के लिए हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए हम लोग, मतलब
एक तरीके से आप देखो तो अभी की जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वैसी कुछ कंडीशन हमारे यहाँ इंडिया में थी, बहुत ज़्यादा स्केल पे बीमारी, फेमाइंस ये सब प्रिवेल करती थी। तो सेल्फ रिलायंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्ट करते थे बाहर की कंट्रीज़ से, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर को अंग्रेज़ों ने बहुत हद तक एक्सप्लॉइट कर दिया था। इन लोगों के मन में देखो, 2 साल तक जब गुलाम बने रहोगे तो एक मन में डर बैठ जाता है कि अगर हम एग्रीकल्चर फिर से शुरू करेंगे तो शायद फिर से वही पहले वाली कंडीशन हो जाए, हम लोग अमीर कभी नहीं बन पाएंगे, हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो कभी सुधर नहीं पाएंगे। और सेल्फ रिलायंस इसलिए भी ज़रूरी था, देखो हम लोग जब आज़ाद हुए थे नए नए तो USA से हम लोग सीड्स इम्पोर्ट करते थे, ठीक है। इन सीड्स में USA ऐसे टेक्नोलॉजी, मतलब ये इतनी थर्ड ग्रेड की ये सीड्स हमें एक्सपोर्ट करता था इंडिया को USA, जिसको हम लोग अपनी ज़मीन में बोते थे तो ज़मीन की फर्टिलिटी तो डाउन करता ही था, प्लस इसके न्यूट्रिएंट्स जो थे वो इतने घटिया थे कि मतलब आज के ज़माने में उससे ज़्यादा कोई बेटर आप किसी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में खाना जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या फिर जो भी हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग अच्छा करते हैं। तो आप देख सकते हो जो मतलब बाहर की जो कंट्रीज़ थी वो भी नहीं चाहती थी कि इंडिया डेवलप हो, क्योंकि देखो इंडिया जो रहा है हमेशा से ही एक मेजर जो कहते हैं ना सेंट्रल फोकस पॉइंट रहा है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो है, हमारे नाम पे एक ओशन है, हमारी स्ट्रैटेजिक पोजीशन इतनी अच्छी है कि सब कंट्रीज़, दुनिया की सारी कंट्रीज़ को इंडिया में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, ठीक है। इसलिए सेल्फ रिलायंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर बट इंडस्ट्री और बाकी सारे सेक्टर्स में भी, ठीक है। अब आते हैं इक्विटी के ऊपर। देखो इक्विटी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हुआ, सेल्फ रिलायंस हुआ, लेकिन जो इक्विटी थी वो भी साथ में चलनी चाहिए थी। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्फ मे नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल आर हैविंग, ठीक है। तो इक्विटी को इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ज़मींदार जो थे वो आप जानते हो अंग्रेज़ों ने जो भी लैंड सेटलमेंट्स जो भी या नए तरीके के जो अपने रिफॉर्म्स पॉलिसीज जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उससे हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमिक सिस्टम थी वो काफ़ी डगमगा गई थी। तो अंग्रेज़ों के जाने के बावजूद भी ज़मींदार और बहुत सारे जो ऐसे ट्रेडिशनल पोस्ट जो उन्होंने बना के छोड़े थे इंडिया में वो काफ़ी हाई पोजीशन पे थे और मतलब रूल करते थे, वो मेजॉरिटी थी उनकी, उनके सामने मतलब इंडिया की जो सेना थी उस समय की वो छोटी लगती, इतने ज़मींदार और ये मतलब उत्पीड़न करने वाले जो इतने थे ये सब इतने ज़्यादा हमारी सोसाइटी में फैले हुए थे। तो इसलिए सेल्फ रिलायंस के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इक्विटी भी जरूरी थी। दिस इज़ द एंड ऑफ आर वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। देखो आज इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया, आगे मैं आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ट्रेड और पॉलिसीज़ वगैरह इनसे भी रिलेटेड 1950 से 1991 की सेकेंड पार्ट ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। और इसको मैं जल्दी से जल्दी चाहूँगा कि अपलोड हो जाए, ठीक। और इसको मैंने ज़्यादा लेंदी इसलिए नहीं रखा ताकि देखो इकोनॉमिक जो है लोगों के अंदर डर बना रहता है कि मतलब हवा बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन इसको आपको इतना टफ नहीं लेना है, ठीक है। मैं आपको इसको सिंप्लीफाइड वे में इतने छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे कहते हैं ना गैलप्स, ज़्यादा छोटे छोटे आप पार्ट्स में दोगे तो ज़्यादा ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैं आपको अभी एज ऑफ नाउ मैं छोटे छोटे पार्ट्स में दे रहा हूँ, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा मैं उसके साथ आपको इसके बड़े बड़े चंक्स देते जाऊँगा ताकि आप इसको आराम से डाइजेस्ट कर सको, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आर वीडियो। So thank you for watching the lesson. God bless you all.